हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप ये देखेंगे ट्यूबलाइट के एक वीडियो है जिसमें अगर ये चौक अगर वर्क ना करे तो कैसे आप उसे रिपेयर करेंगे। यहाँ ये देखिए, ये ट्यूबलाइट है जो जल नहीं रहा है। यहाँ आप देखेंगे इसके साथ एक चौक है, इसका आप देखेंगे कि ये वीवा का इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लास्ट का है, 1x36 वाट 40 वाट। इससे आप चौक से कम आप 36 वाट और 40 वाट के एक ट्यूबलाइट को जला सकते हैं। इसका कैपेसिटी जो दिया हुआ है 240 वोल्ट 50 हर्ज पर। ये एम्पियर जो लेगा 0.15 एम्पियर लेगा, और इसका आप पीएफ जो देख रहे हैं 0.90 रहे थे। यहाँ आपको लाइन देना है, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ आपको 1 2 3 4। तो यहाँ देखिए 4 वायर निकला हुआ है, इधर भी 2 वायर निकला हुआ है। 2 वायर का कनेक्शन इस तरह से किया हुआ है इस साइड में। ये देखिए यहाँ पर आपको 2 वायर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। डालेंगे और इसे आप कैसे सही कर सकते हैं, तो इसका मैं रिपेयर करूँगा कि जब मैं इसमें लाइन को इन कराता हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए स्विच देने के बाद ये जल नहीं रहा है ट्यूबलाइट, इसमें करंट इन हो रहा है। पावर ऑन करता हूँ तो ये जल नहीं रहा है। इसका फॉल्ट क्या है ये चौक को अब हम खोल करके देखेंगे। तो इसे कैसे खोलना है ये आप देखिए, ये अप्रैल 2018 का ये बना हुआ चौक है। तो अगर ये अच्छी तरह से अभी तक चल चुका है, 2020 तक ये अच्छे से वर्क किया है, बट अब ये जा करके फॉल्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर एक आपको स्टिकर चिपका दिया जाता है वारंटी, जो वैलिड इफ सील इन ब्रोकन, इस तरह से लिख करके चिपका दिया जाता है। अगर आप इसे यहाँ से हटा दिए तो इसका गारंटी जो है वो ख़त्म हो जाता है। गारंटी जो है वो ख़त्म ही हो चुका है, दिया हुआ है, उसे आप कैसे यहाँ से खोलेंगे हुआ है। तो यहाँ से हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए इसे ज़रा सा आप दबाएंगे तो इस तरह से ये ब्रेक हो करके आगे की ओर इन हो जाएगा। तो इस साइड जब आप खोलेंगे तो उसी तरह से आप इस साइड भी करके खोल सकते हैं। इसी तरह से आप खोलें ताकि इस साइड वाला आपका सिंपल रूप से खुल। तो इस तरह से देखिए कि कुछ हीटिंग इसमें हुआ है जिससे यहाँ ब्लैक हो चुका है। ये देखें, ये देखिए, तो इसमें क्या फॉल्ट जो आया है वो हम इसमें देखेंगे, इस पीसीबी बोर्ड में क्या हुआ है इस किट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ चेक करूँगा कि इसका फ्यूज जो है वो सही है कि नहीं है। रहे हैं एक कैपेसिटर जो है ये फूल चुका है और ये फट भी गया है। तो देखिए ये है जो बिल्कुल ही सही है, और ये जो है वो देखिए फट करके ये ब्रेक हो चुका है। तो अगर इसे हम चेंज कर दें तो फिलहाल ये सही हो जाएगा। करने के लिए ये 2 वायर को यहाँ पर आप कनेक्ट करें, इसके कंटिन्यूटी को सबसे पहले आप चेक कर लें कहीं इसका फ्यूज तो ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए अभी कुछ नहीं बताएगा आपका, यहाँ फ्यूज का काम करता है। तो सबसे पहले आप इसे चेक करें यहाँ से। ये देखें एक रेड वायर जो आप देख रहे हैं उससे कनेक्ट है, एक नेगेटिव वायर से कनेक्ट है। यहाँ दो दो फ्यूज देता है ताकि कहीं भी अगर आपका ब्रेक हो, शॉर्ट हो, तो ये सबसे पहले आपका फ्यूज जो है वो उड़े। तो यहाँ देखिए कि आपका फ्यूज जो है वो बिल्कुल ही सही है। इस तरह से यहाँ भी आप चेक करेंगे, ये भी आपका फ्यूज जो है वो बिल्कुल ही सही है, वो कहीं भी कोई फॉल्ट नज़र इसमें नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे इसमें डायोड लगा हुआ है, सबसे पहले आपको डायोड लगा करके प्लस माइनस एसी को किया जाता है। उसके बाद एक यहाँ कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये देखिए जो ब्रेक हो चुका है, एक कैपेसिटर यहाँ लगाया हुआ है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है वो आपको पॉजिटिव को कनेक्ट करने के लिए है। अब ये कैपेसिटर का नंबर हम देखेंगे कि कितने MFD का ये कैपेसिटर है। तो ये यहाँ देखेंगे क्या कि 10 UF 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। वोल्टेज जो है वो अचानक 250 से एवरेज हो जाता है, जिसमें 270, 280, 300 भी कभी आ जाते हैं, तो उसमें ये ब्रेक होने की संभावना जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें से कैपेसिटर जो है कौन सा यहाँ यूज होगा 250 और 10 UFD का, तो इस तरह से देखें बहुत सारे कैपेसिटर है। ये देखिए ये जो कैपेसिटर है 450 6.8, और ये जो कैपेसिटर है ये देखिए कैपेसिटर 250 वोल्ट 10 UF, तो ये बिल्कुल ही सही है।
और ये जो कैपेसिटर है ये भी 250 और 10 UF का कैपेसिटर है, तो इसके जगह पर मैं इसका यूज करूँगा। बट ये देखिए क्या है कि ये साइज में ज़रा सा लॉन्ग हो जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दें कि इसे हमें बैठाना भी इसके अंदर है। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर नाप लेंगे कि इसमें सेटिंग होगा कि नहीं, इस नहीं तो फिर हमें ऐसा ही कैपेसिटर बैठाना होगा। फ्रेंड्स यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 250 वोल्ट 10 UF का है, तो इसके किट जो आप देख रहे हैं ये PCB बोर्ड को, इसके अनुसार ही ये इसका बैठाया जाता है, क्योंकि इसका इनपुट सप्लाई 240 दिया हुआ है, 250 को इन कराया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 250 वोल्ट का ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस किट के लिए, वरना आप इसे ज़्यादा डालेंगे तो इसके अनुसार लोड बढ़ेगा, तो उसमें आपका ये सब कॉम्पोनेंट जो है वो कहीं से ब्रेक हो जाएगा, तो उसमें आपका फिर ये किट जो है देख रहे हैं क्या कि इस तरह से छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगा हुआ है अगर वो ब्रेक होगा तो फिर ये बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे हम निकाल के यहाँ से चेंज कर देंगे तो हो सके ये सही हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं 250 और 10 MFD का, उसके बाद इसके कैप को क्या करें आप इस साइड से रख करके इसकी ऊंचाई को देख लें, तो देखिए फ्रेंड्स कि ये जो है यहाँ आ रहा है तो ये सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इसका यूज करूँगा, इसमें आप निकाल दें तो ये देखिए ये कैपेसिटर जो है यहाँ से निकल चुका है, आपको कट कर लेना होगा। पेस्ट है, इसे आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब आप इसे नहीं लगाएंगे तो इससे आपका सोल्डिंग जो है वो सही से नहीं होगा, ये चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर ये सोल्डिंग सही से नहीं होगा तो फिर से इसके बीच में स्पार्क होगा, जिसके कारण ये भी ब्लास्ट करेगा और आपका ये PCB बोर्ड। तो इस तरह से देख लें, अब आप यहाँ देखेंगे क्या नेगेटिव कौन सा था, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि देखिए यहाँ सैम्बल भी बना हुआ है प्लस का, तो ये जो आप घेरे देखते हैं ये नेगेटिव का है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दें कि जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव में ही लगाना है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। उल्टा लगने पर ये जितना सही में नहीं ब्लास्ट होता है, इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ फूला है, हल्का सा ब्रेक हुआ है, बट अगर ही विस्फोटक हो जाता है, तो इस तरह से आप ये ध्यान दें। और मैं इसे अच्छी तरह से अब सेट कर लूँगा, यहाँ पर सोल्डिंग पेस्ट लगाएं, उसके बाद सोल्डिंग कर इस तरह से ये सोल्डिंग हो चुका है। अब तो इसमें अब बारी आया कि इसमें हम लाइन को इन करें, उसके बाद हम इसे फ्रेंड्स तो इस तरह से देखें कि ये जो आपका PCB बोर्ड है, मैं यहाँ पर कैपेसिटर लगाया, ये सही हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये जल चुका है, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका सिर्फ कैपेसिटर जो है वो ब्रेक हो चुका था, तो मैं उस कैपेसिटर को चेंज कर दिया, और ये देखें ये बिल्कुल तरह से ये आपका इस ट्यूबलाइट का जो किट है वो सही हो गया है। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से अगर कोई भी ट्यूबलाइट का ये इस तरह का चौक है, इलेक्ट्रॉनिक चौक, इसी पर ही अब इलेक्ट्रॉनिक चौक का ही अधिकतर यूज होता है, क्योंकि इसका आप सबसे बड़ी बात आप इसमें एक चीज देखेंगे, PF जो है फ्रेंड्स वो 90 है, जो बहुत ही अच्छा है, ये आप इसलिए इसका यूज अधिकतर अब करते हैं, वो पहले वाला जो चौक आता था भारी वाला उसका अब यूज नहीं होता है का है। तो इसी तरह के ढेर सारे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो इस तरह से ढेर सारे वीडियो आपको देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और इस तरह की ढेर सारी वीडियो आए तो उसे आप शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।